1943 के अंत में जर्मन सैनिकों ने इटली में इटालियन यहूदियों को ढूंढना शुरू कर दिया था और 2 सालों के अंदर कम से कम 10,000 ज्यूइश को कंसंट्रेशन कैंप भेजा गया था, जिसमें से कोई कभी वापस नहीं आ सके। ठीक इसी तरह से रोम में भी नाजी ज्यूइश को हिरासत में ले रहा था। इसी बीच 450 साल पुराने एक हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने 20 ज्यूइश को बचाया, ये कहकर कि एक सिंड्रोम के नाम का एक वायरस फैला है जो इंसान के कॉन्टैक्ट में आने से फैलता है और इस बीमारी से ग्रस्त लोग इस कमरे में हैं। इस वायरस के डर से हॉस्पिटल में ज्यूइश की तलाश में घूम रहे नाजी सैनिक इस कमरे में घुसते नहीं है, जबकि दरअसल ये कोई सच का वायरस नहीं था, बल्कि अपनी जान को बचाने के डर से हॉस्पिटल पहुंचे इन ज्यूइश को बचाने के लिए हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने इस नकली नाम को सोचा था। ये तरकीब काम कर गया और जहां एक लोगों को बचाना नामुमकिन था, वहां इन डॉक्टरों की चालाकी से 20 मासूमों की जान बच गई थी।